हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डिनर करते वक्त लिन जियांग को बताती है कि मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और आज तो आपने बनाया भी बड़े मज़े का ही है। वेल, जियांग उससे पूछने लगता है कि इसके अलावा तुम्हें और क्या क्या पसंद है। तो लिन उसे फिर बताने लगती है कि बॉक्सिंग करना, क्योंकि इस तरह मैं अपने माइंड पे आए वर्क के प्रेशर को कम कर लेती हूँ। अभी वो जियांग के खाने की तारीफ करने के साथ साथ उसे थैंक्स भी कहती है। सोते वक्त दोनों ही एक दूसरे को याद करके स्माइल करने लगते हैं। जियांग ने जू को बॉक्सिंग जिम ज्वाइन करने को कहा था और वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि मैं तो कभी भी ना करूं। लेकिन अगले दिन वो तो फिर वहां पर पहुंचा भी होता है। लिन भी इधर ही आई थी। कोच इन दोनों को एक साथ में मिलकर ही प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। जू तो समझ रहा था कि इसे बॉक्सिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जो कि उसकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी। लिन तो उसे इतने ज्यादा मुक्के मारती है कि उसे तो फिर अपनी नानी तक याद आ जाती है। एंड वो तो अब ये बात समझ चुका था कि इस लड़की को हल्के में लेना कोई अच्छी बात नहीं थी। जियांग भी इधर ही आ चुका था। वो लिन को बॉक्सिंग ग्लव्स गिफ्ट करता है। ये देखकर जू तो एकदम शॉक ही रह जाता है। अब वो तो इतना जान गया था कि लिन को देखने के लिए ही इसने मुझे ज़बरदस्ती इन बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करवाई हैं। अब एक्स साहब फिर से लिन को तंग करने यहीं पर ही आ चुके थे। वो इसे और जियांग को लेकर काफ़ी पॉइंट आउट भी करने लगता है और ये बात लिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से में आकर इसे चांटा दे मारती है। इससे पहले कि अब ये साहब उसे हर्ट करता, जियांग ऊपर से आ जाता है और साथ में एक्स को वार्न भी करता है कि नेक्स्ट टाइम मेरी गर्ल की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना करना। ये कहकर वो तो लिन को किस ही कर लेता है। फिर बाद में जू जियांग से कहता है कि यार, वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी, तुम ऐसे कैसे उस लड़की को कर सकते हो। जियांग को तो इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। अब जू को भी अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये लिन से लव करने लगा है। उधर लिन भी जियांग के साथ हुई किस को रिमेम्बर करके स्माइल ही करने लगी थी। वर्क में लिन की कारकर्दगी देखकर जियांग ने उसे प्रमोशन दे दी होती है। अब इनके कहने पर उसे एक सप्लायर से मिलने भी जाना था। नेक्स्ट सीन में वो उस पर्सन से मिलने एक सैलून ही आ चुकी थी। इसका एक्स भी इधर ही आ जाता है और वो तो दोनों के साथ में फोटोज क्लिक करने लगता है। रात को लिन जियांग को इसकी रिपोर्ट देने पहुँच चुकी थी। वो जू को एक बहाने से वहाँ से भेज देता है और खाना लिन को टेस्ट करवाने ही लगता है कि ऊपर से जू आ जाता है कि जो सॉल्ट लेने आपने मुझे भेजा था वो तो इधर ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अब लिन की उस आदमी के साथ ली गई फोटोज जब जू देखता है तो फौरन से उसकी शिकायत लगाने जियांग के पास आ जाता है कि देखो, वर्किंग आवर्स के दौरान ये किससे मिलने गई हुई थी। वेल, जियांग को इस बात की कोई भी परवाह नहीं होती और वो जू को बताता है कि ये पर्सन जिसे हम प्रोजेक्ट्स के लिए रिलायबल समझते थे, लिन ने ही पता करवाया है कि ये तो ब्राइब्स वगैरह ही लेता है। सीखो उससे कुछ, तुमसे ज़्यादा तो वही बेटर है। ये सुनकर उसकी तो फिर शक्ल देखने वाली थी। अब जियांग तो लिन के पास जाकर उसके हेयर्स पीछे करने लगता है कि ये तुम्हारी आंखों में आ रही हैं। वो तो जियांग के चार्म में एकदम खो ही जाती है। वेल, फौरन से साइड पे जाने लगती है कि ये मैं बॉस के बारे में क्यों सोच रही हूँ और साथ में वो तो एक गे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपनी मॉम से मिलने आया था और वो जो इसके रिलेशन के बारे में जानना चाहती थी उनकी अनसुनी करते हुए ये तो मॉम को ब्यूटी सैलून का एक वीआईपी कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब उस प्लेस पर आकर मॉम को पता चलता है कि इसने 2 वीआईपी कार्ड्स बाय किए थे। वो दूसरे पर्सन का पता चलाने लगती हैं। वो कार्ड किसी और के पास नहीं बल्कि लिन के पास ही था
वो तो अभी तक सैलून गई ही नहीं थी। वो तो लिन को देखने ऑफिस ही आ जाती हैं। लिन भी इन्हें देखकर सरप्राइज के ये बॉस की मॉम है। अब मॉम समझ रही थी कि ये उनके बेटे के साथ हैंग आउट कर रही है। सो वो लिन को बहुत सारी मनी देती हैं कि तुम ऐसे ही मेरे बेटे के साथ 1 साल डेटिंग करती रहो। अब लिन समझने लगती है कि शायद ये अपने बेटे की गेनस को छुपाने के लिए मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हैं। अब बदले में उसे पैसे भी मिल रहे थे, वो तो फौरन से उनकी बात मान जाती है। मॉम को लिन काफ़ी अच्छी लड़की लगी थी, उन्हें इसके बैकग्राउंड वगैरह से कोई भी वास्ता नहीं था। वह क्या मॉम है जो कि अपने बेटे से डेट करने के लिए लड़की को पैसे भी दे रही है। लिन तो हवाओं में ही उड़ने लगती है और जियांग को कॉल करके कल अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। वो भी खुशी खुशी उसके साथ डेट पे जाने को तैयार हो गया था। लिन ने तो डिनर करने के लिए बहुत ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल प्लेस को चूज किया था। आज उसके इस बिहेवियर से वो भी थोड़ा हैरान तो हो रहा होता है कि इसे अचानक क्या हो गया है। उसके पूछने पर लिन उसे झूठ बोल देती है कि ये सारा खाना मैंने ही बनाया है और फिर खुद उसे केक खिलाने भी लगती है। वो तो कम्प्लीटली ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो। साथ में वो दोनों फोटोज भी बनाने लगते हैं। एक दफा तो वो गिरने ही लगी थी तो जियांग उसे पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि ये दोनों किस करते, डिलीवरी मैन आ जाता है कि मैडम आपने जो ऑर्डर किया था अब वो आ चुका है। बिचारी का एक झूठ तो फिर पकड़ा ही जा चुका था। वेल, जियांग तो उससे इस बात को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करता और दोनों एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लिन ने अपने और जियांग के रिलेशनशिप को पब्लिकली शो करवा दिया था और ये बात वो जियांग को भी आकर बता देती है कि मैंने तुम्हारे आरजू के रिलेशन को बचाने के लिए अपना रिलेशनशिप रिवील कर दिया है। ये सुनकर तो वो दोनों ही काफ़ी सरप्राइज रह जाते हैं। आरजू से फिर ये कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर ज़रा भी परेशान ना होना, ये तो जस्ट फेक है ताकि लोग तुम दोनों को लेकर बातें ना करें। ये सुनकर वो दोनों तो फिर और ही ज़्यादा शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये क्या बातें कर रही है। वो जियांग को ये भी बता देती है कि मॉम ने मुझे तुमसे डेट करने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनकर उसे तो फिर इस पे काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जू को वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि मैंने अकेले में लिन से बात करनी है। अब बाहर खड़ा एक एम्प्लॉई इनकी सारी बातें सुन चुका था एंड उसे यहाँ पर जू भी देख लेता है। इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।